आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फिनोल का कमजोर क्षारीय माध्यम में डाई एजोनियम लवण से क्रिया को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो बताना है, ठीक है। तो फिनोल और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डाई एजोनियम लवण, ठीक है। फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है और डाई एजोनियम का क्या होता है ये भी देखेंगे। तो हम यहाँ डाई एजोनियम लवण जो ले रहे हैं वो हम लेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। मेनली यहाँ पे ये देखने के लिए कि इस अभिक्रिया ये क्या अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे ये ले रहे हैं हम इसके लवण के रूप में। इसका सूत्र क्या होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का, एक बेंजीन रिंग बनती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा N2Cl, जिसमें से यहाँ पे N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस होता है। और जब ये अभिकृत होता है फिनॉल यानी कि C6H5OH के साथ, तो और इसकी अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में पूर्ण होती है, तो हमें जो फाइनल कंपाउंड मिलता है वो क्या मिलता है, यहाँ से Cl या और ये H मिलकर के क्या बाहर निकाल देते हैं HCl, ठीक है। और जो मेन कंपाउंड मिलेगा वो होगा इस तरह से N डबल बॉन्ड N और ये वाली बेंजीन रिंग भी जुड़ जाएगी, मतलब पूरा पूरा फिनॉल यौगिक जुड़ जाएगा, तो हमें ये यौगिक मिलेगा और साथ ही में HCl और जल के अणु बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ है इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, युग्म बन गया है इन दोनों का, ठीक है, इस अभिक्रिया में। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिनॉल का कमजोर क्षारीय माध्यम में डाइजोनियम लवण से क्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।